सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें भी कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से रहती है, आपको पता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। यहां पर ए की वैल्यू हो गई 1, डी हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो आप देखेंगे कि हर टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस, बराबर बराबर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इस केस में 2। हर बार ये 2 नहीं होगा, कुछ और एग्जांपल के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये 2 है। अगर हमें इस प्रोग्रेशन की कोई टर्म निकालनी हो, अगर आपने कहा जाए कि इस प्रोग्रेशन में 50वीं टर्म कौन सी आएगी, व्हाट विल बी द 50th टर्म, तो इसको निकालने का फार्मूला, nth टर्म को निकालने का फार्मूला आपके पास क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, किसी भी एपी की nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास इस केस में 1 है, एन हमारे पास 50 है और डी हमारे पास 2 है। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 49 इंटू 2 98 और 1 ये ऐड किया तो आपके पास आया 99। यानी यहां आप देखें बहुत छोटी लेकिन अच्छी कैलकुलेशंस शुरुआत हो गई। सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैलकुलेशन का इस्तेमाल है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यहां भी फार्मूला हमारे पास n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला काम करता है एपी के लिए, ये फार्मूला काम करता है। मान लीजिए इन सभी टर्म का सम हमें 20 टर्म्स तक कैलकुलेट करना है। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और 20 टर्म्स चाहिए। कितनी टर्म्स चाहिए, 20 टर्म्स। हमें यह नहीं पता कि 20th टर्म कौन सी है, 20th टर्म 20 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा 20th टर्म कौन सी है हमें नहीं पता। तो जैसे पिछले केस में हमने 50th टर्म निकाली थी, हम 20th टर्म निकाल सकते हैं अगर हम चाहे तो, और अगर ना चाहे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये आपकी इच्छा है कि आप 20th टर्म निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, 39 आ जाएगी। नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट भी आंसर निकाला जा सकता है फॉर्मूले में पुट करके। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ 20 टर्म्स इज n, n इज 20, इस केस में 20 है, 2 a, a क्या है इस केस में 1, प्लस n 20 माइनस 1 d आपके पास है 2। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास ये आ गया 10, यहां पे है 2, यहां पे 19 इंटू 2 38 और ये 40 इंटू 10, तो 400 आपके पास आंसर के तौर पे आ गया। तो सम ऑफ 20 टर्म्स इज कमिंग आउट टू बी 20 स्क्वायर, है ना मजेदार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे ऑड नंबर्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं, अगर 20 टर्म्स थी तो उसका आंसर आया 20 का स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और आपसे कहा जाए इस क्वेश्चन को करें 1 प्लस 3 प्लस 5, और मान लेते हैं आपसे कहा जाए कि यहां पर 33 टर्म्स लेनी है। पहले कितनी टर्म थी, 20, तो आंसर क्या था, 20 स्क्वायर। यहां पर कितनी टर्म्स है, 33, तो आंसर क्या होना चाहिए, 33 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ये आपको आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ। तो आप 33 का स्क्वायर क्या जानते हैं,
1089 याद आया, तो फैमिली ऑफ ट्रीज का फॉर्मूला 1089 डायरेक्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है। तो 33 का स्क्वायर इट इज नॉट डिफिकल्ट। इवन अगर आपसे कोई और नंबर ऑफ टर्म्स की बात पूछी जाती, उन सब के स्क्वायर्स आपको आते हैं, तो यहां आप अपने दोस्तों से फास्ट होने वाले हैं। जो दोस्त साइट पर कैलकुलेशन करेंगे लिखकर मल्टीप्लाई करके, उनसे आप फास्ट होने वाले हैं। और गलती का टॉपिक कंटिन्यूड इज सीक्वेंस एंड सीरीज। आपके पास एक प्रोग्रेशन है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n। ये हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है शुरुआत से। इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर इन्हें इस तरह से सभी टर्म्स को प्लस कर दिया जाए तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है और ये उसके कोरिस्पॉन्डिंग सीरीज है। बस इतना ही फर्क है, सीक्वेंस सारी टर्म्स और सीरीज उन सब टर्म्स को प्लस कर दिया जाए तो इसे सीरीज कहा जाता है मैथमेटिक्स में। अब हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स फॉर्मूले के हिसाब से इसे हम सिग्मा एन लिखते हैं और इसे एस वन भी लिखा जाता है। इसे यू समझा जा सकता है 1 + 2 + 3 अप टू एन, और इसका जो आंसर है वो क्या है एन एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूले की बहुत बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है। तो कैसे, ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ये उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स सभी का सम फाइंड कीजिए, या 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स का सम फाइंड कीजिए, तो बिना फार्मूले के ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फार्मूला लगाते ही ये काम बहुत ही आसानी से हो गया। आप देखें कैसे, n n इस केस में हो गया 100 × 100 + 1, सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान, 50 और ये 101 और 5050 ही आपके पास आंसर आ गया। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज 5050। तो कितना आसानी से हो गया इस फार्मूले का यूज करते ही। इसके साथ एक फार्मूला और देखते हैं। अगर यहां पर आपको फर्स्ट एन इवन नंबर्स लेने हो, जैसे आप लेना चाहते हैं 2 + 4 + 6 + 2n, अप टू 2n तक n इवन नंबर्स होंगे, तो ये क्या है, ये है फर्स्ट n इवन नंबर्स। इन सब का सम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा समझदारी से चले तो हर टर्म को लिखा जा सकता है 2 × 1, इसको लिखा जा सकता है 2 × 2, इसे लिखा जा सकता है 2 × 3 और इसी तरह से आखिर में लिखा जा सकता है 2 × n। हर टर्म को इस तरह से आप 2 × करके लिख सकते हैं और आप देखें कि 2 अपने पास कॉमन आ जाता है 1 + 2 + 3 और वही आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, और जो कि होता है 2 n + 1/2। इस 2 से यू कैंसिल, n + 1 आप यहां रख दें या इसे यू याद रख लें n² + n। आप ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1 या n² + n।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि आप 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 20 इनको आप ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर्स आर दीज। यानी पहला क्वेश्चन तो ये है कि 20 कौन से नंबर का इवन नंबर है। 20 आपके पास आता है 10th नंबर पर, 10th टर्म, 10th इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले के हिसाब से n की जगह 10 लगा दीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 यानी कि 100 प्लस 10 विच इज नथिंग बट 110। दैट्स इट। तो आप देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू अप्लाई। देयरफॉर वी कैन सी द सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में इसका बहुत यूज है। एक यूज और देखते हैं, थर्ड आप चाहते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू nth ऑड नंबर। तो nth ऑड नंबर याद रखिएगा 2n माइनस 1 होता है। तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज दिस। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका आंसर आप याद रखें कि ये होता है n स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आपसे कहा जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इन सब का सम फाइंड कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे ही आसान है, पर फिर भी इसमें फॉर्मूला कैसे लगाया जा सकता है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि हाउ मेनी आर दीज, कितने हैं ये। तो आप देखते हैं n की वैल्यू है 5, n इज 5, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 5। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इनका आंसर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर है, यानी कि इनका आंसर आना चाहिए 5 स्क्वायर यानी 25। तो आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 25। नो, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है एन स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग की नॉलेज आपके पास है ही। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 17 टर्म्स तक हमें जाना है, तो आप इसका मतलब ये हो कि हमें 17 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या कहता है, 17 का स्क्वायर हमारा आंसर होगा और वो हमें पता है 29 होता है। यानी स्क्वेयरिंग की नॉलेज आपकी अगर है तो आप कितने फास्ट है इस टॉपिक पे, दिस यू कैन अंडरस्टैंड। और देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन, आपके पास है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये आपके पास एक फॉर्मूले के तौर पर मौजूद है, n n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6। इस फॉर्मूले की भी बहुत एप्लीकेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए कि आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक फाइंड करें, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते हुए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड करें, तो आपके पास फॉर्मूला बहुत सिंपल, n की जगह आप 10 लगा दीजिए, 10 10 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ 10 प्लस 1 अपॉन 6। अब यहां देखिए इतनी सारी मल्टीप्लीकेशन है, और नो डाउट हम कैलकुलेशन के मास्टर हो चुके हैं और इसको करना बहुत ही आसान है। 6 से डिवाइड, आप देखेंगे 2 से ये कैंसिल होने को तैयार है और 3 से ये कैंसिल होने को तैयार है, 35, अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 3 5 और बीच में 3 प्लस 5 तो 385, ये आपके पास आंसर कितने आसानी से आ गया आपने देखा। तो यहां सारी मल्टीप्लिकेशन जो भी हमने की थी मल्टीप्लिकेशन बाई 11 वो यहां पे कितने आसानी से यूज हुआ, तो हमने 11 का टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ा, 35 into 11 35 स्ट्रेच मेथड, बीच में 3 प्लस 5 8।
तो ये बहुत ही आसान एप्लीकेशन है. आप देखिए कि कैलकुलेशन का यूज आप मैथ्स के हर टॉपिक में बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही एग्जॉस्टिवली करते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स है. चलिए और आगे बढ़ते हैं. 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर. यानी फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स का सम आपको फाइंड करना है. कैसे करेंगे? ये आपके पास एप्लीकेशन नंबर 5. एप्लीकेशन नंबर 5 क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स. इसका आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं. जस्ट सी कैसे. ये 2 स्क्वायर सब में से कॉमन लिया जा सकता है. 2 स्क्वायर इज कॉमन. यहां आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, यहां आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड अप टू n स्क्वायर आपके पास रह जाएगा. और ये क्या है? ये अभी आपने देखा था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो यहां क्या आया? 4 × इसका फॉर्मूला था n, n प्लस 1, 2n + 1 अपॉन 6. और इन दोनों को थोड़ा सा अगर आप चाहें कैंसिल करना तो 2 n 3 और उसके बाद 2n + 1 आपके पास आया 3. तो कुल मिला के आप देखते हैं फॉर्मूला आपके पास है 2n + 1 2n + 1 upon 3. एग्जाम्पल देख सकते हैं. 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर. आप इन सबका सम निकालना चाहते हैं. ये कितनी टर्म्स हैं? आप कहेंगे 5. तो यहां पे फॉर्मूले में n की जगह 5 लगा दीजिए. 5 + 1 ट्वाइस ऑफ 5 + 1 एंड अपॉन 3. और इसे सॉल्व करते हैं. 2 × 5 × 6 × 11 upon 3 कैंसिल होने के बाद 2 × 2 4 × 5 20 इससे मल्टीप्लाई किया 2 × 2 0 तो आपके पास आ गया 220. तो ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन. आप देखें कैलकुलेशन में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन विन द वर्ल्ड ऑफ कैलकुलेशन फॉर एवर फॉर श्योर. एक सिक्स एप्लीकेशन. 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 2n - 1 स्क्वायर. तो ये आपके पास फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर का सम आपको फाइंड करना है. इसका फॉर्मूला बहुत ही मजेदार और इसको आप याद रखें. 2n - 1 2n, 2n + 1 upon 6. आपको इस तरह से याद रखने में बहुत मदद मिलेगी. ये फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट डिराइव नहीं होता लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हैं. 1, 3, 5 और ये ऑड नंबर है सारे, इनका स्क्वायर का सम. ये फॉर्मूला आपके काम बहुत आएगा जो कि रेयरली अवेलेबल रहता है आपके पास. एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर तो इसका आंसर क्या होगा? आपको दिखाई दे ही रहा है कि n की वैल्यू 5 है. इस फॉर्मूले में 5 लगाने पर 2 × 5 - 1 2 × 5 2 × 5 + 1 अपॉन 6. एक बार इसे देख लीजिए फिर इसको फास्ट कैसे किया जा सकता है वो बताएंगे. 2 × 5 10 - 1 9 × 10 × 11 upon 6 क्या कैंसिल होगा? यस, 3 से कैंसिल हो रहा है और ये 2 से कैंसिल हो रहा है 5. 15 × 11 = 165. तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं आंसर आपने निकाल लिया. क्या ये इससे भी फास्ट किया जा सकता था? यस, इससे भी फास्ट किया जा सकता था. ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं थी अगर आपने याद किया हो तो. आप देखें कि यहां पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ऑड नेचुरल नंबर का सम. ऑड नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7. तो यहां देखिएगा ये जो 9 आया ये तो यही वाला नंबर है. आप गौर से देखिए 2n - 1 यही होता है. तो यहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन था ये तो आप सीधा इसको देखिए 9 × next number × next number upon 6 कर सकते हैं. तो ये बहुत ही मजेदार एक आपके पास
रेगुलरिटी है, अगर आप रेगुलरिटी को समझ जाए तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर तक आ सकते हैं। जो नंबर यहां लिखा है वही लिखे, उससे नेक्स्ट अपॉन सिक्स सॉल्व करें आंसर, आंसर सेम आएगा नो डाउट, उसके दोनों सेम ही है, बट फास्ट अप्रोच ये आपके पास है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, अगर आपके पास देखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू से 21 स्क्वायर, अब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि कौन से वहां टर्म है या ये कौन से नंबर की टर्म है, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आपने लगातार यहां तक 9 था तो 9 से शुरू किया था, अब यहां से 1 से लेकर 21 तक, तो आप क्या करेंगे 21 से शुरू करेंगे, यू राइट 21 22 एंड 23 21 9 10 11 तो 21 22 23 अपॉन 6 ही आएगा हर बार, और ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 3 से 7, 3 से 2, 2 से ये 11। अब आप देखें कि हमारे पास 7 इंटू 23 बहुत आराम से किया जा सकता है, 161 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान रहता है। देखिए 161 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या किया जाता है आप देखिए जरा, बहुत ही प्यार से बहुत ही इत्मीनान से, ये 177 और ये 1, यस 1771, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहां पे आंसर आप बहुत आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज वन एप्लीकेशन विच वी कैन यूज फॉर स्पेशल सीरीज, सेवन एप्लीकेशन इसी सीक्वेंस एंड सीरीज में, सेवन एप्लीकेशन 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू एन क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला भी बहुत मजेदार, एन एन प्लस 1 अपॉन 2 जो कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता था उसका स्क्वायर, तो किसी बुक में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, किसी बुक में ये फॉर्मूला एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 करके लिखा मिलेगा। आप ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब, इसका सम हमें फाइंड करना है, देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 10, तो आपके पास आंसर बहुत ही आसानी से 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 का स्क्वायर। आप देखें यहां पर कैंसिल हो रहा है और आराम से 5 आपके पास आया, 11 इंटू 5 55 का स्क्वायर, और आपको पता है एंडिंग 5 वाले नंबर 55 का स्क्वायर बहुत ही आसान, और ये क्या था 3025, तो एंडिंग 5 इजिएस्ट फॉर्मूला, जहां एंडिंग 5 के स्क्वायर थे वो नंबर आपके पास बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन, यू कैन फाइंड एवरीवेयर इन मैथ्स कैलकुलेशन की, तो यहां कोई भी आपको रेफर करना नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट और डायरेक्ट आंसर आपके पास आ रहा है। दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। चलिए एक और एप्लीकेशन देखते हैं बहुत ही मजेदार, अगर आपके पास टर्म्स है 1, नेक्स्ट टर्म है 1 प्लस 2, नेक्स्ट टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी एक एक नेचुरल नंबर बढ़ता चला जा रहा है और नेक्स्ट टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है, और ये इसी तरह से एंड टर्म्स तक जाना है, तो उसका फॉर्मूला डिराइव करके आपके पास है, इसको भी आप याद रखिए बहुत काम आ सकता है आपके। फिलहाल आप सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं लेकिन ये यूजफुल फार्मूला है और जो ट्रू फार्मूला है, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 6। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, यानी कि 9 तक के नंबर्स, यानी ये टोटल मिला के हमारे पास 1 2 3 करते हुए 9 टर्म्स हैं, इन 9 टर्म्स का सम हमें चाहिए, तो फॉर्मूला क्या था 1 से लेकर 10 टर्म का फॉर्मूला ये है, और यहां पर आपके पास क्वेश्चन में क्या है 9 टर्म्स है, तो 9 टर्म्स है तो n की जगह 9 डाल दीजिए, तो आपका n की जगह 9, उसके बाद 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11 अपॉन 6, और कैंसिल करने में बहुत ही आसानी से, 3 से कैंसिल हुआ,
2 कैंसिल हुआ 5, 15 और 165. तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इजी कैलकुलेशन इज. अगर आप कैलकुलेशन के मास्टर हैं तो आप देखते ही कैलकुलेशन करेंगे, नो रफ वर्क इज रिक्वायर्ड एट ऑल. तो आप देखिए कैलकुलेशन का कोर्स करने के बाद आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कितनी फास्ट है, कोई रफ वर्क नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलेशन.